नमस्कार साथियों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। तो इस तरह के टेस्ट हम लोग अभी तक आपके 22 टेस्ट खत्म कर चुके हैं। ये आपका 23वां टेस्ट है मध्य प्रदेश जीके का। तो याद रखिए, इससे पहले आप लोग मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को विस्तार से पढ़ लीजिए चैप्टर बाय चैप्टर। तो क्या होगा उससे कि आप लोग जो भी परीक्षा देंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से फायदा होगा। टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपका क्वेश्चंस कोई भी गलत नहीं होगा। और हमारी तरफ से आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूरा कवर किया गया है। ये आपकी 17 घंटे की करीब क्लास है, एक ही क्लास है पूरी। सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में डली हुई है। ठीक है, पूरा MPPSC लेवल का कवर किया गया है। तो आप उसे पढ़ लें, कोई भी पेपर होगा मध्य प्रदेश से संबंधित आपका क्वेश्चंस गलत नहीं होगा उसके बाद। ठीक है, तो चलिए हम लोग 23वें टेस्ट का पहला क्वेश्चंस देखते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? अभिज्ञान शकुंतलम है, विक्रम वरसियम है, मेघदूत भी है, वैराग्य शतक नहीं है। क्या नहीं है? वैराग्य शतक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होगा आपका? डी, क्योंकि गलत पूछा है, यानी कि कालिदास की रचना नहीं है, तो वैराग्य शतक नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्न में से कौन सी रचना वर्धहरि की नहीं है? ऋतु संहार नहीं है, श्रृंगार शतक है, नीति शतक है, वैराग्य शतक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होगा आपका? ए ऑप्शन सही। ठीक है, क्वेश्चन है तीसरा आपके सामने। मालती माधव की रचना किसने की थी? मालती माधव की रचना किसने की थी? तो ये थे आपके भाव भूति। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका सी होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है आपका 4। सूची 1 को और सूची 2 को सम्मिलित कराना है। सूची 1 में आपके साहित्यकार दिए गए हैं, सूची 2 में रचनाएं। बाणभट्ट, कादंबरी, भवभूति, उत्तर रामचरित, केशवदास, रतन बावरनी, पद्माकर, जगत विनोद। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा। अब आप सोचिए, अगर इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है तो आप किस अगर बिना पढ़े कैसे सॉल्व कर पाएंगे? अगर आपने MP GK को विस्तार में पढ़ा होगा तभी आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। इसलिए क्या किया करिए कि वन लाइनर में कभी मत रटा करिएगा। थोड़ा टाइम जरूर लग जाया करिएगा लेकिन हर सब्जेक्ट को थोड़ा विस्तार से पढ़ लिया करिएगा। ठीक है, क्या होता है उससे कि कोई क्वेश्चन आपका उसके बाद गलत नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राम रसायन किसकी रचना है? राम रसायन आपके पद्माकर की रचना है। 5 में आपका सी होगा। 5 में क्या होगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन है 6वां। निम्न में से किस कवि ने कृषि एवं मौसम से संबंधित पदों की रचना की है? तो ये थे आपके घाघ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा? बी ऑप्शन है। ठीक है, 7, परिचरी का संकलन किसके किसने किया था? खेमदास ने। किसने? खेमदास ने। ठीक, 8, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की? माखनलाल चतुर्वेदी ने। 8 में क्या होगा आपका? डी। क्वेश्चन है हमारा 9।
क्या क्वेश्चन 9? रश्मि रेखा की रचना किसने की? रश्मि रेखा की रचना आपकी बालकृष्ण शर्मा नवीन ने की थी। 9 में क्या होगा आपका? ए ऑप्शन। क्वेश्चन है 10, गुलाबी उर्दू शैली का प्रयोग किसने किया था? गुलाबी उर्दू शैली का प्रयोग मुल्ला रमुजी ने किया था। किसने? मुल्ला रमू जी ने। 10 में क्या होगा आपका? सी। क्वेश्चन है 11, निम्न में से किसने हिंदी साहित्य की समीक्षा की है? ये थे आपके आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। 11 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या है क्वेश्चन 12 हमारा? हरिशंकर परसाई अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग करते थे? हरिशंकर परसाई अपने लेखन में हिंदी भाषा का भी प्रयोग करते थे, उर्दू का भी और अंग्रेजी का भी, यानी कि इसमें होगा ए सभी, यानी कि तीनों। 12 में आपका डी। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा 13, क्या है? बालकृष्ण शर्मा नवीन किस काल के महा साहित्यकार थे? बाल कृष्ण शर्मा नवीन किस काल के साहित्यकार थे? तो ये थे आपके 1897 से 1960, बी ऑप्शन इसमें सही हुआ। ठीक है, इनका समय 1897 से 1960 रहा है। क्वेश्चन है हमारा 14, आलाखंड की रचना किसने की थी? आलाखंड की रचना जगनिक ने की थी। 14 में आपका डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चांद का मोह टेढ़ा रचना किसकी है? चांद का मोह टेढ़ा रचना आपके गजानन माधव मुक्ति बोध की है। 15 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है 16, सदाचार का ताबीज किसकी रचना है? सदाचार का ताबीज आपके हरिशंकर परसाई की रचना है। 16 में आपका ए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 17, एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? ये आपके गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या होगा आपका? ए। क्वेश्चन है हमारा 18, क्या है क्वेश्चन आपका 18? निम्न रचनाओं में से हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है? जो नीचे रचनाएं दी गई हैं इनमें हमें हरिशंकर परसाई की रचना देखनी है, तो इसमें आपका जैसे उनके दिन फिरे, 18 में आपका बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 19, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास साहब को। 19 में आपका ए। क्वेश्चन है 20, प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? पद्माकर। 20 में क्या है आपका? बी। हमारा क्वेश्चन है 21, तोस की आग किसकी रचना है? आपके भवानी प्रसाद मिश्र साहब की। 21 में क्या होगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसमें। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन 22 है आपका, अलंकित पदों में भी मानवीय भावनाओं की सहज और प्रभावपूर्ण प्रस्तुति तथा उनका
सब्जी बर्डन है, यह विशेषता किस कवि की है? फिर से सुन लीजिए एक बार। अलंकित पदों में भी मानवीय भावनाओं की सहज और प्रभावपूर्ण प्रस्तुति तथा उनका सजीव वर्णन, यह एक विशेषता किस कवि की है? तो एक कालिदास कवि की विशेषता है। 22 में क्या होगा आपका क्वेश्चन? 22 में ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 23। क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। वरथरी के काल को कुछ विद्वान ईस्वी पूर्व 72 तो कुछ विद्वान 7वीं शताब्दी मानते हैं। बहुभूति ने अपने काव्य में संस्कृत भाषा का प्रयोग गंभीर नाट्य शैली में किया है। लंबे लंबे वाक्यों, नए शब्दों एवं कथा के भीतर कथा और उपकथाओं के प्रयोग में बाणभट्ट की क्षमता अद्भुत है। सही है। पद्माकर ने हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग करते हुए सूक्त शैली में कहावतें कहीं, ये आपका कथन बिल्कुल गलत है। क्या है? 23 में आपका डी होगा। ए बी सी सही कथन है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा है सही कथन नहीं, यानी कि असंत कथन में बताना था, तो डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, 23 में क्या होगा? डी। क्वेश्चन हमारा 24। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? जगनिक का काल 1220 ईस्वी के समकक्ष माना जाता है। गलत है। केशव दास का काल 1555 ईस्वी से 1617 ईस्वी का माना जाता है, ये सही है। शिवाबावनी सिंघा जी की रचना है, ये भी गलत है। तो 24 में आपका क्या होगा? बी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है कथन। क्वेश्चन है 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने हिंदी भाषा में सरल पद शैली का प्रयोग किया। इनकी भाषा और शैली के भावों के अनुरूप सरलता और प्रवाह मिलता है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने खड़ी बोली में ब्रज, अवधी, बुंदेली, उर्दू आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। इसमें क्या पूछा है? उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं, यानी कि आपके दोनों कथन असत्य हैं। ठीक है, 25 में क्या होगा आपका? सी ऑप्शन, एक और दो दोनों कथन असत्य हैं। क्वेश्चन हमारा 26। क्वेश्चन क्या है आपके सामने? 26। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही ही नहीं है। शरद जोशी का काल 1931 से 1991 के मध्य रहा है, सही है। जोशी जी ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों पर व्यंग किया है, ये भी सही है। डॉक्टर शिवमंगल सुमन सिंह सुमन ने खड़ी बोली में संस्कृत उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है, ये भी सही है। नए प्रश्न डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है, ये आपका गलत है। क्या है? डी ऑप्शन 26 में होगा, क्योंकि सही नहीं, यानी कि असत्य कथन पूछा था और आपका डी ऑप्शन असत्य कथन है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 27। जीवन की कटु सच्चाइयाँ गरीबी, विवशता, विसंगतियों का मार्मिक चित्रण किस कवि की कविताओं की विषय वस्तु है? तो यह आपकी गजानन माधव मुक्तिबोध की। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या होगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 28।
सामाजिक मूलगत विसंगतियों पर प्रहार किस कवि की कविताओं की विषय वस्तु है? हरिशंकर परसाई। 28 में क्या होगा आपका? बी। क्वेश्चन है हमारा 29। सूची एक और सूची दो को सम्मिलित करना है हमें। सूची एक में आपके साहित्यकार दिए गए हुए हैं, सूची दो में प्रमुख साहित्य हैं। राजेश जोशी, मिट्टी का चेहरा। केदारनाथ ठाकुर, बस्तर भूषण। दुष्यंत कुमार, साय में दो। स्वामी सत्यभक्त, कुरान की झांकी। यानी कि इसमें ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हुआ। 29 में क्या होगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 30। बिखरे मोती रचना है, बिखरे मोती रचना किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान साहब की। 30 में आपका सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 31। संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे? संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे? निवाड़। 31 में आपका डी होगा। 31 में क्या होगा? डी। क्वेश्चन है 32। कली पच्चीसी किसकी प्रसिद्ध रचना है? कली पच्चीसी आपकी पद्माकर साहब की रचना है। 32 में आपका ए होगा। 32 में क्या होगा? ए। क्वेश्चन है अब आपका 33। निम्न में से किसने सूक्ति शैली में कहावतें कही हैं? तो यह है आपके घाघ। 33 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है 34। नए शब्दों का प्रयोग करते हुए कथा के भीतर कथा और उपकथाओं का प्रयोग किया है वाणभट्ट ने? 34 में आपका सी होगा। 34 में क्या होगा? सी। क्वेश्चन है 35। मध्य प्रदेश के प्राचीन काल में साहित्य सृजन की मुख्य भाषा थी? संस्कृत। 35 में आपका सी। 35 में क्या होगा? सी। क्वेश्चन हमारा 36। क्या है क्वेश्चन 36? निम्न में से मूलतः संत कवि के रूप में जाने जाते हैं कौन? भर्तृहरि। 36 में आपका क्या होगा? डी। क्वेश्चन है 37। 15 तिथि किसकी रचना है? सिंगाजी साहब की। 15 तिथि सिंगाजी की रचना है। 38 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी सिलोकी कविता के कवि के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? वर्थहरी। 38 में आपका ए होगा। 38 में क्या होगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये चलिए ये था आपका 23वां टेस्ट। अगली क्लास में हम लोग मध्य प्रदेश से संबंधित आपका अगला टेस्ट देखेंगे, 24वां। ठीक है, आप लोग एक बार मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अब पेपर आएंगे, लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा आपका पेपर आने शुरू हो जाएंगे, और आप अपनी तैयारी करके बैठिए, क्योंकि अब सिलेक्शन पाना थोड़ा मुश्किल भी रहेगा, क्योंकि जगह भी कम आएंगे। ठीक है, तो इससे आपको अपनी तैयारी में कोई ढील नहीं देनी है।